इस ग्रह और इसके निवासियों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक मौन आंदोलन चल रहा है। यह 60 देशों में फैल चुका है और 40 लाख से अधिक लोगों, 25,000 स्कूलों और 2,500 कॉलेजों को प्रभावित कर चुका है। इस आंदोलन ने 20 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं, 17 लाख युवा मूल्य आधारित परियोजनाओं में लगे हुए हैं और 1 लाख से अधिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास प्रशिक्षण ले रहे हैं। पूरे भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा जागरूकता फैलाने के लिए 55,000 से अधिक जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। हार्टफुलनेस इसी आंदोलन का नाम है और यह स्वयं सेवकों के समर्पण से प्रेरित हुआ है, सरकारी संस्थानों का समर्थन और कॉरपोरेट भागीदारों की उदारता। परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक की सहायता मिल सकती है। हार्टफुलनेस वह परिवर्तनकारी उत्प्रेरक बनने का प्रयास करता है जिसकी दुनिया को आवश्यकता है। पर्यावरण, शिक्षा, कल्याण और खेल के क्षेत्र में फैल के माध्यम से हार्टफुलनेस लगातार सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। भारत में हैदराबाद के पास हार्टफुलनेस का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कान्हा शांतिवनम उन संभावनाओं का एक प्रमुख उदाहरण है। जब अच्छे के लिए बदलाव लाने की इच्छा हो, दुनिया भर के स्वयं सेवकों ने 1200 एकड़ बंजर भूमि को जैव विविधता से भरपूर हरे भरे पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया है। इस परिसर में आपको बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, उद्यान, घने लघु वर्षावन, सीवेज उपचार संयंत्र, अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएं, सौर ऊर्जा उत्पादन और बड़े जल निकाय बनाने के लिए वर्षा जल का संचयन मिलेगा। हार्टफुलनेस इनिशिएटिव या FBH द्वारा वन देश भर में कान्हा शांतिवनम में प्राप्त सफलता को दोहराने का प्रयास करता है। FBH ने अब तक सरकारी संगठनों के साथ साथ निगमों के साथ मिलकर कई वनीकरण, झील बहाली और कृषि वानिकी परियोजनाएं शुरू की हैं। विशेषज्ञ प्रत्येक FBH साइट पर वृक्षारोपण और जल संरक्षण समाधानों को अनुकूलित करते हैं। लुप्त प्राय वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जैसा कि हार्टफुलनेस के अध्यक्ष कमलेश डी पटेल अक्सर जोर देते हैं। हम सभी को दुनिया को पहले से बेहतर जगह बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। तीन दशकों से अधिक समय से हार्टफुलनेस देश भर के स्कूलों में विशेष रूप से मूल्य शिक्षा और जागरूक जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम चला रहा है। पाठ्यक्रम यूनेस्को अध्यक्ष वैश्विक स्वास्थ्य और शिक्षा के 9 सिद्धांतों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। हार्टफुल कैंपस इनिशिएटिव युवाओं में जीवन कौशल और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की मजबूत भावना विकसित करने के लिए कॉलेजों के साथ काम करता है। हार्टफुलनेस कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को विश्राम, तनाव प्रबंधन तकनीकों और जीवन कौशल से परिचित कराने के लिए AIMS, AICTE, ICR और देश भर के अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग करता है। Voyas Dat Cares नामक टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन चिंता, अवसाद, नींद की समस्या और व्यसनों जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को मुफ्त सहायता प्रदान करती है। हार्टफुलनेस जमीनी स्तर के स्वास्थ्य, सामाजिक और शिक्षा कार्यकर्ताओं को सर्वोत्तम प्रथाओं में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो बाद में इन्हें अपने संबंधित ब्लॉकों और गांवों में लागू कर सकते हैं। कान्हा शांतिवनम में सुसज्जित चिकित्सा केंद्र आसपास के 70 से अधिक गांवों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है। हार्टफुलनेस योग और आयुर्वेद सहित विभिन्न ज्ञान प्रणालियों के आधार पर निवारक और उपचारात्मक उपचार भी प्रदान करता है। संपूर्ण विश्व में लगभग 15,000 हार्टफुलनेस स्वयंसेवक प्रशिक्षक फैले हुए हैं, जो कि ध्यान प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। खेल से स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल विकसित होता है। कान्हा शांतिवनम में स्थित अत्याधुनिक हार्टफुलनेस
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेंटर खेल में रुचि रखने वाले युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना चाहता है। हार्टफुलनेस ने मध्य प्रदेश के शिवगढ़ में 2000 एकड़ निम्नीकृत वन भूमि के पुनर्वनीकरण की परियोजना शुरू की है। इसके अलावा 3 राज्यों में 750 किलोमीटर तक फैले अरावली पहाड़ों पर पुनर्वनीकरण भी चल रहा है। भूमि पर ऑक्सीजन बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हार्टफुलनेस 500 से अधिक सरकारी स्कूलों में मूल्य आधारित पाठ्यक्रम लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। खेल के क्षेत्र में हार्टफुलनेस पैन इंडिया टैलेंट हंट का सहयोग कर रहा है, जो कि खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है। हार्टफुलनेस के पास स्वयं सेवकों की एक समर्पित टीम है। हालांकि इन सब के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। हम सब मिलकर इस आंदोलन को मजबूत करने में सहयोग कर सकते हैं। साथ मिलकर हम जीवन को छू सकते हैं और ग्रह को बदल सकते हैं। साथ मिलकर हम सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक बन सकते हैं।